बच्चों आपने देखा ना, घर की सफाइयाँ तो ऑलमोस्ट हो गई, अब बारी आती है घर को सजाने की। तो सजाने में हमें मेन चीज चाहिए होती है एक बंधन बार घर के लिए और रंगोली। चलो चलते हैं। आज का जो बंधन बार्ड मेन डोर के लिए बन रहा है, उसके लिए मैंने लिए हैं इस टाइप के नेट के कपड़े। अपने पास कई बार ऐसी फालतू साड़ियाँ भी होती हैं जो यूज़ नहीं होती हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी कलर कंट्रास्ट ले सकते हो। मुझे ये दो कलर बड़े अच्छे लगे, लाइट भी है और मतलब रोज़ भी लगा रहेगा तब भी चलेगा। तो मैंने ये लंबा सा ले लिया है, 7 मीटर एक कपड़ा एक पांच, और दूसरा मैंने लिया इससे मिलता जुलता, मेरे पास रखा ही था एक्चुअली, ब्रोकेट का कपड़ा। तो ब्रोकेट के कपड़े के मैंने इस टाइप के चौकोर 4 पीस ले लिए। तो मुझे क्या करना है, इधर साइडों से सिलना है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है ये सिलना है। ऊपर से तो सिला हुआ है, जैसे मैं दिखाऊं आपको, मैंने सिल के रखा है इस टाइप से। ये सिलाई लगानी है, हाथ से भी लगा सकते हो और सिलाई मशीन से भी लगा सकते हो। और दूसरी चीज मैंने क्या किया है, ब्रोकेट की 4 पट्टियां ले ली। अब ये 4 पट्टियाँ लेने के बाद मुझे इसके लिए करना क्या होगा, हमारे घर में कई बार सफाइयाँ करते हैं ना, स्पॉन्ज वगैरह निकल आते हैं, तो मेरे पास ऐसे स्पॉन्ज सा दिखा मुझे, तो मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया काम कर लेगा। यहाँ पर मैंने पट्टियाँ काटी हैं स्पॉन्ज की, मैं और काट लेती हूँ 3 और। ये मेरे पास सुई धागा है, ये जो मेरे पास ब्रोकेट की एक पट्टी सी है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये स्पॉन्ज, इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से, इसे मैं धीरे से इसे रोल करती जा रही हूँ। अगर आपके पास कोई रेडीमेड सा फूल है तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, और इसे भी बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से मैंने एक फ्लावर बना दिया है। अब सुई धागे से मैं इसे पैक कर दूँगी। ये इस कपड़े से हमने एक फूल बना लिया है, इसी तरीके से चारों फूल बना देती हूँ। तो यहाँ देखिए 4 फूल मैंने बना दिए हैं, बहुत आसान है। मैंने स्पंज इसलिए डाला जिससे थोड़े बड़े बड़े फूल लग रहे हैं, और एक टाके से ही काम हो जाता है। अब हमने ये जो 4 पीस फोल्ड किए ना कॉर्नर से, वो हमारे पास तैयार हो गए हैं इस तरीके से। 2 छोटे हैं 2 बड़े हैं, बराबर भी ले सकते हो, मेरे पास एक्चुअल कपड़ा कम था। तो अब हमें करना क्या होगा, इसको यहाँ से जहाँ से बंद है ना वहाँ से हमें क्या करना होगा, इसको इस तरीके से यहाँ पर लाना है। इसका ये शेप बन गया, यहाँ पर हमें थोड़ा सा सुई धागे से इसे अटैच करना है। ये बो शेप में बन गई है। अब इसके ऊपर हम एक फ्लावर रखेंगे और इसे इसी के साथ अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये चारों बो बना देती हूँ। तो अब हमने ये छोटी छोटी तैयारी तो कर ली है, अब मेन डोर पे चलते हैं। और यहाँ के लिए मैंने नेट ली है, इसको हमें फिट करने के लिए छोटी छोटी सेफ्टी पिन चाहिए और कुछ थोड़े कील चाहिए जिसे हमें ठोकना पड़ेगा। यहाँ देखिए हम बंधन बार लगा रहे हैं, तो सबसे पहले डोर की लंबाई को हमें नापना होगा, और जहाँ हमारी लंबाई पूरी हुई वहाँ पर हमें एक रिबिन को बांधना होगा। दूसरे साइड भी डोर की लंबाई को नाप कर मैंने यहाँ पर रिबन बांध दिया है। रिबन बांधने से फायदा ये हो रहा है कि यहाँ पर ना अच्छे से अटैच हो पा रही है। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये 5 ब्रॉच थे, तो मैंने 2 साइडों से अटैच किए और एक सेंटर में अटैच करूँगी। तो देखा भाई, घर का मेन डोर सज गया है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दिवाली के दिन हम सभी चाहते हैं हमारा घर सबसे सुंदर लगे, तो मैंने तो इसी तरीके से सजा लिया है और घर में रखी चीज़ों से बनाया है। मार्केट से तो सभी लाकर बनाते हैं, लेकिन घर में जब बनाते हैं अपने हाथों से कुछ सजाते हैं तो उसकी बात ही कुछ अलग आती है और उसकी फीलिंग कुछ अलग ही होती है। अब बारी आती है बच्चों रंगोली की। रंगोली यूँ तो हम घर में ज़रूर बनाते हैं और शुभ भी होता है, घर में त्यौहार पर हमें बनानी चाहिए, पर कई बार समय की कमी होने की से, या कई बार ऐसा भी होता है हमने रंगोली बनाई और वहां पर कोई आया, बच्चों ने खेला, तो रंगोली हमारी खराब हो गई, तब भी बहुत बुरा लगता है। और ये भी बात है कि कई बार वहां पर हमारी उस एरिया की सफाई नहीं हो पाती। तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए इस बार मैंने रंगोली के स्टेंसिल्स ले लिए थे और एक दो बार मैं इसे यूज कर पाई हूँ। इसे हम वॉश भी कर सकते हैं, ये वॉशेबल है, और जब मन करे आपको इसे रखना है और इसमें सारे रंग भरने और इसे आप उठा के इसकी सफाई भी करवा सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है, आजकल मिल रहा है मार्केट में, आपको भी मिले तो इस तरीके से रंगोली जरूर बनाइए।